लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जग्गा और बलिया को एम्स से छुट्टी मिलेगी। ये वाकया है सिर से जुड़े दो भाइयों का, जिन्हें 4 जुलाई 2017 में एम्स में भर्ती कराया गया था, जो अब 4 साल के हो चुके हैं और अलग भी। भुइयां कन्हार और पुष्पांजलि के घर 2015 में जग्गा और बलिया का जन्म हुआ था। शुरू में 4 महीने तक इनका इलाज कटक मेडिकल कॉलेज में चलने के बाद इन्हें घर भेज दिया गया था। जन्म के 2 साल बाद इनका इलाज सरकार द्वारा एम्स में कराने का फैसला किया गया। भारत में सिर से जुड़े बच्चों का ये पहला मामला है जब उन्हें अलग करने की कामयाब सर्जरी की गई है। 25 अक्टूबर 2017 को दोनों बच्चों की सर्जरी हुई। 16 घंटे चली सर्जरी में 100 के करीब मेडिकल प्रैक्टिशनर लगे थे। दोनों बच्चे सिर से पूरी तरह जुड़े हुए थे। डॉक्टरों के मुताबिक अब जग्गा पूरी तरह से ठीक है, उसका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, वे बाकी की जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाएगा। वहीं बलिया के पास ब्रेन का 30% हिस्सा है, इसलिए उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। 6 सितंबर को एम्स में इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसी दिन दोनों बच्चों को उड़ीसा के कटक भेज दिया जाएगा। कटक मेडिकल कॉलेज में बच्चों का आगे का इलाज चलेगा। यह पूरा सफर काफी दर्दनाक भरा रहा, परंतु अब आशा की जा रही है दोनों बच्चे जल्द ही पूरी तरह नॉर्मल होकर बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। न्यूज़ की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।